Assalamu alaikum. Welcome to Medical Globe e-learning. I am Nayab Khalid. Now I will tell you about the guidelines of parasitology. Parasitology में सबसे पहले आपको एक chapter basic parasitology का नजर आता है. इसमें से आपने सारी की सारी definitions करनी है. Protozoa, hell means urogenital protozoa, intestinal protozoa, trophozoid की definition, promastigots, trypomastigots की definition, ए मस्टिगोर्स की डेफिनेशन, इन सब के आपने इस चैप्टर में डेफिनेशंस करनी है. बेसिकली ये चैप्टर डेफिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा एक और चीज इसमें बताई गई है एमसीक्यूज के लिए, क्लासिफिकेशन. ये क्लासिफिकेशन एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एसीक्यू में भी दे सकते हैं लेकिन बेसिकली ये एमसीक्यू के लिए क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आपने इसको एज इट इज अच्छे से कोई निमोनिक बनाकर याद करना है. नेक्स्ट है फिर हमारे पास इस पेज पे से आपने सारी डेफिनेशंस करनी है. डेफिनेटिव होस्ट की डेफिनेशन, इंटरमीडिएट होस्ट की डेफिनेशन, डेड एंड होस्ट की डेफिनेशन और एक एग्जांपल ओवर एंड पैरासाइट्स की डेफिनेशन. ठीक है, इस सारी की सारी जो बोल्ड वर्ड्स में लिखे हुए हैं ना, इनकी डेफिनेशंस आपने करनी है इस चैप्टर में से. नेक्स्ट चलते हैं फिर हम. अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास इंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल पैरासाइट्स. अच्छा, ये चैप्टर जो है ये इम्पोर्टेंट है. इसमें दो से तीन ऐसी क्यूज आते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कौन से हैं. सबसे पहले इसमें हमारे पास आता है एंटामेबा. एंटामेबा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऐसी क्यू. ऐसी क्यू के लिए ये ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी डिजीजेस के नेम्स आप करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को आपने अच्छे से पढ़ना है. ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछी जाती है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. पैथोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ये फीको ऑयल रूट के थ्रू ट्रांसमिट कर रहा है और इसका कोई एनिमल रेजर्वायर नहीं है. नेक्स्ट है फिर हमारे पास टेबल 51.1. ये टेबल जो है ना, ये बेसिकली एक समरी है इस चैप्टर के मेजर और माइनर पैथोजेंस की. पूरा का पूरा चैप्टर करने के बाद अगर आप यहां से देख लें तो आपको चैप्टर समराइज हो जाएगा. ये सारी की सारी डिजीजेस की पैथोजेनेसिस लिखी गई है, ये आपने अच्छे से करनी है. पैथोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फ्लावर शेप्ड अल्सर्स बनते हैं, कौन सी डिजीज किस तरह से हो रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका लाइफ साइकिल भी इंपॉर्टेंट है, आपको लाइफ साइकिल भी इसका ड्रॉ करना आना चाहिए. फिर हमारे पास आती है इसकी लैब डायग्नोसिस. लैब डायग्नोसिस को आपने थोरली होल रीड आउट करना है अच्छे से. इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट सेपरेट करके आप लिख लें ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको परेशानी ना हो. इसमें बेसिकली आपको सिस्ट और ट्रोफोजॉइड का स्ट्रक्चर अच्छे से आना चाहिए. इसके आप डायग्राम भी जरूर देखेंगे सिस्ट और ट्रोफोजॉइड की. नेक्स्ट है फिर हमारे पास क्लिनिकल फाइंडिंग्स. क्लिनिकल फाइंडिंग्स के आपने नेम्स अच्छे से करने हैं, इनकी पैथोलॉजी को आपने समझना है ताकि वाइवा में अगर पूछें तो आपको परेशानी ना हो. टेबल 51.2 इंपॉर्टेंट नहीं है, समरी के लिए है, अगर कोई देखना चाहे तो ये देख सकता है. ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन आपने नहीं करना. फिर आता है आपके पास जियार्डिया. जियार्डिया बेसिकली मोस्टली एमसीक्यूज में पूछा जाता है. इसकी डिजीज का आपको पता होना चाहिए कि ये जियार्डियासिस करवा रहा है. फिर है टेबल 51.3. इस पूरे के पूरे टेबल की को समराइज किया गया है. ठीक है, इसमें से एमसीक्यूज आते हैं. Medical Globe brings you the solution to your problems, the problems you face during your professional exams. Yes, we are introducing MBBS Cracks. This book contains chapter-wise important topics, solved past university questions are given in this book, chapter pulls are given to help you ace your MCQs exams. Besides this, forensic summaries are added and important pictures from Big Robins and OSPE pictures in high resolution are added to help you ace your OSPE exams. Besides this series for SCQ and OSPE, MCQs Cracks has also been introduced. This book contains MCQs not only from UHS but also from several other universities. So what are you waiting for? Get your book ordered online at a given number, that is 0335 663 007, and I promise you that you won't regret purchasing this.